हे एवरीवन सो माई सिल वनशुल वेलकम टू माय चैनल मिस बॉटन ऑफ फिल्लिक एंड एंड टूडेज़ वीडियो आई एल बी टेलिंग यू अबाउट द टॉपिक वायरोइड्स तो आज की वीडियो में हम लोग वायरोइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसने इसको डिस्कवर किया था कैसे ट्रांसमिशन का मैथड होता है कौन सी डिजीज़ ये कॉज करते हैं तो इस चीज़ के बारे में आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं वायरॉयड्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि वायरसेस में कॉम्पिटेटिव लेवल में वायरसेज टॉपिक के अंदर से ज़्यादातर पूछा जाता है ठीक है स्पेशली वायरसेज वायरायड्स प्रायन्स इसमें डिफ्रेंस भी आप

देखने को मिलता है हाँ पे कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड होते हैं ठीक है तो ये तो होगी सिंपल फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है तो वायरॉइड्स क्या होते हैं वो से थोड़े simpler form पे exist करते हैं so, they have a simpler form than viruses. इनके जो फॉर्म्स होते, है, होते हैं वो वायरसेस से काफी ज्यादा सिंपल होते हैं नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी इनकी डिस्कवरी की थी टी ओडीनर ने नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन पे तो ऑलवेज मैंशन दैट कि वायरॉयड्स की जो डिस्कवरी की थी वो की थी टी ओडीनर ने नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन पे फर्स्ट वायरयड केम टू लाइट वाइल आइसोलेटिंग एंड कैरेक्टराइजिंग द एजेंट ऑफ पी एस टी वी डी अब ये पी एस टी वी डी है क्या पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वायरॉयड वर्ड आता है ठीक है वी फॉर वायरॉइड होता है सो फर्स्ट वायरॉयड केम टू लाइट वायसोलेटिंग एंड कैरेक्टराइजिंग द एजेंट ऑफ पी एस टीवी टी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज द एजेंट वॉज कंसिडर्ड एज वायरस बट इट इज डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियो प्रोटीन कोड इट वॉज हैविंग लोअर मॉलिकुलर वेट सिंस दैन डिजीज लाइक सिट्रस एक्सोकॉटिस क्राइसेंथेमन स्टंट आर ज बाय द वायरॉइड देखो यहां ये थोड़ा सा आपको थियोरिटिकल लग रहा होगा लेकिन ये चीज क्या बोलता है बहुत इजी मैनर पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सबसे पहले क्या हुआ कि वायरय जनरली हमने बोला कि वायरसेस तो एग्जिस्ट करते थे वायरस के बारे में सबको पता चल गया था लेकिन वायरॉइड जो थे वो वायरसेस से बिल्कुल अलग थे क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन था ही नहीं यानी कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी एब्सेंट था यहाँ पे प्रोटीन भी एबसेंट था लेकिन अगर आप लोगों को वायरस का स्ट्रक्चर पता है तो वायरस के स्ट्रक्चर में प्रोटीन भी होता है और न्यूक्लिक एसिड भी होता है तो सबसे पहली डिजीज जो इससे रिलेटेड पता चली वो थी पी मतलब पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड डिजीज उस टाइम पे क्या था ये लगा कि ये डिजीज क्या कर रहा है वायरस कॉज कर रहा है लेकिन जब इस डिजीज को थोड़ा डिटेल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ा गया तो वहां देखा गया कि जो एजेंट है उसमें तो ना न्यूक्लिक एसिड है और ना ही प्रोटीन है तो एक चीज कंक्लूड की गई कि भाई ये जो डिजीज है ये जो भी एजेंट कॉज करता है वो बिल्कुल भी वायरस नहीं है वो वायरस के जैसे कैरेक्टरिस्टिक शो करता है बट वो बिल्कुल भी वायरस नहीं है क्यों क्योंकि उसमें न्यूक्लियो है तो इस चीज से यह कंक्लूड किया गया कि वायरसेस नहीं इसको एक अलग ही नाम दिया गया जो कि था ओके तो ये डिजीज जो होती है एग्जाम कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरॉइड की डिस्कवरी किसने की थी टीओडीनर ने की थी और सबसे पहली डिजीज जिसके थ्रू वायरॉयड का पता चला था वो था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज दैट इज टी इसके बाद से क्या हुआ कि ये पहली डिजीज हमें मिली इसके बाद से और भी डिजीज देखने को मिली जो कि वायरॉइड कॉज करते थे इज सिट्रस एक्जोकॉर्टिस और आप हमेशा याद रखना कि जो वायरॉयड्स होते हैं वो प्लांट में ही डिजीज़ कॉज करते हैं वो कभी भी एनिमल्स में या फिर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें कभी भी डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे इससे पहले मैंने आपको प्रायोन्स पढ़ाया था प्रायन्स में मैंने आपको बताया था कि वो एनिमल और ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करते हैं वो प्लांट्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते हैं ठीक है वो प्लांट से बिल्कुल दूर भागते हैं प्लांट्स को वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते हैं वैसे ही वायरॉयड्स क्या होते हैं वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग में बिल्कुल भी डिजीज़ कॉज नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं राइट यहाँ पे जो बाकी डिजीज आई अदर देन पी एस टीवी एंड अदर इज अ असेंटेम स्टर्न ठीक है अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लेते हैं सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट स्ट्रक्चर देखो स्ट्रक्चर क्या होता है स्मॉल स्टैंडेड आर एन ए यहाँ पे देखने को मिलता है विदाउट प्रोटीन कोड अब हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों ही एबसेंट रहते हैं तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी कैप्सिड देखने को नहीं मिलती है सो स्मॉल स्ट्रैंडेड आर एन ए विदाउट प्रोटीन कोड यहाँ पे स्मॉल स्टैंडेड आर एन ए देखने को मिलता है लेकिन कोई भी प्रोटीन कोड नहीं प्रेजेंट रहता है ओके okay? यानी कि कैप्सिड भी यहाँ पे एबसेंट रहता है आपको पता ही होगा कि वायरस में आपने सुना था कि प्रोटीन कोड होता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं जो कि यूनिट कैप्सोमेयर से बना होता है और वो कोड कैसा होता है प्रोटीन होता है तो वही प्रोटीन कोड जनरली वायरोइड्स में एब्सेंट रहता है ठीक है यहाँ पे जो पी एस टी वायरय था इट शो दैट इट हैज पे जो है की डिस्कवरी की गई थी उसमें कुछ चीजें देखने को मिली थी जैसे सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए मॉलिकूल देखने को मिला था विद टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड फिफ्टी न्यूक्लियो टाइट्स एडेनिन एंड ग्वानी जो रेशियो था वो बिल्कुल क्लोज था यूनिटी के इनका जो मॉलिकुलर वेट देखा गया था वो था इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेके वन लैक थर्टी थाउजेंडेटन के अप्रॉक्स एंड दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन वो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते थे दे आर एप्लीकेशन मैकेज सेल एनजाइम डी एन ए पॉलीमरेज टू नाउ वी हैव द डिजीज अब इसके थ्रू जो डिजीज होती है वो डिजीज जनरली परसिस्टेंट रहती है मतलब थ्रू आउट लाइफ रहती है उसकी कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिलती है अगर यहाँ पे सिम्टम्स के बारे में कहेंगे तो क्या क्या सिम्टम्स वायरॉइड कॉज करते हैं देखो स्टंटिंग कॉज करते हैं लीव डिस्टॉर्शन कॉज करते हैं वीन डिस्कलरेशन कॉज करते हैं वीन क्लियरिंग नेक्रोटिक स्पॉट मोटे लीफ अगर हम इसके ट्रांसमिशन के बारे में कहेंगे तो क्या क्या मोड होता है ट्रांसमिशन के देखो मैकेनिकल मीन हो सकता है मैकेनिकल मीन में जैसे हॉरिजोंटल वर्टिकल टचिंग हो जाती है जो प्लांट्स होते हैं जब हवा चलती है या फिर रेनी सीजन होता है स्ट्रोम होता है तो क्या होता है कि प्लांट्स की जो लीव्स होती है या फिर ब्रांचेस होती है वो एक दूसरे की कॉन्टैक्ट आती है तो इन्फेक्टेड से हेल्दी वाले में क्या होता है इसका इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है तो उसको हम मैकेनिकल मीन्स बोलते हैं दूसरा होता है पॉलेंस के थ्रू भी ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है सीड्स के थ्रू स्प्रेड हो सकती है या फिर एफिड्स स्प्रेड हो सकती है तो ये कुछ नोट्स थे अबाउट वायरोइड्स की अगर आपका एग्जाम में वायरॉइड्स आता है आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो वायरॉयड की जनरल डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हो किसने डिस्कवरी की थी कौन सी पहली डिजीज़ थी जो कि पी थी ठीक है उस जब पी एस टीवीडी को देखा गया तो उसमें यह पता चला कि न्यूक्लियो प्रोटीन एबसेंट था यानी कि न्यूक्लिक एसिड भी एबसेंट था और प्रोटीन भी एब्सेंट था एक कॉम्बिनेशन में हमारा प्रेजेंट रहता है तो वो जनरली यहां पे एबसेंट था इसलिए हमने इस डिजीज को वायरस न कॉज करते हुए ये बोला गया कि ये डिजीज कोई और ही पार्टिकल कॉज कर रहा है जिसको टीओडीनर ने क्या बोला वायरॉइड बोला राइट उसके बाद से इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है कौन सी डिजीज ये कॉज करता है क्या सिम्टम्स होते हैं फाइनली हम इसका ट्रांसमिशन एक्सप्लेन कर सकते हैं So, these are the only notes in the topic viroids. If the video is helpful, then please like, share, and subscribe. Thank you.